हेलो दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो है ALPN टेक्नीशियन की भर्ती के ऊपर, जो पिछली बार जो फाइनल मेरिट कितनी बढ़ी थी दोस्तों, उसकी तुलना हम करेंगे 2014 में जो ALP की नोटिफिकेशन आई थी दोस्तों, उसमें भी अच्छी खासी वैकेंसी थी यहाँ पर ALP और टेक्नीशियन की। तो उसमें मेरिट है वो फाइनल मेरिट कितनी बढ़ी थी, आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 1.5 गुना कैंडिडेट ही वहाँ पर बुलाए गए थे और 1.5 गुना कैंडिडेट ही दोस्तों इस भर्ती में बुलाए गए हैं। तो दोस्तों इसका यहाँ पर क्या कि मेरिट ज़्यादा नहीं बढ़ेगी दोस्तों, इसका भी आपको प्रूफ मिल जाएगा इसके अंदर, क्योंकि मैंने कल ही वीडियो बनाया था उसके अंदर आपको बोला था कि 2 1 से 3 नंबर के अंदर वेरिएशन करेगा आपका ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों। तो 2 3 लड़कों ने कमेंट किया था कि इतने नंबर नहीं, कम से कम 4 से 5 नंबर या 7 से 8 नंबर बढ़ जाएगा। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होने वाला है और प्रूफ के साथ मैं आपको बता दूंगा कि कितनी है वो मेरिट बढ़ने वाली है दोस्तों। तो RRB मालदा के द्वारा यहाँ पर RTI लगाई गई है किसी के द्वारा, तो उसका ऑफिशियली जवाब आया है, उसके रिगार्डिंग उन्होंने सारी कट ऑफ प्रोवाइड कराई है कि आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कितनी कट ऑफ थी और फाइनल मेरिट के लिए आपकी कितनी कट ऑफ थी दोस्तों। तो उन्होंने सारा कुछ उसमें बताया है, तो हम उसका बारी बारी जिक्र करेंगे दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ मालदा जोन की जो पीछे की जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो लिस्ट थी, उसके अंदर कितने गुना कैंडिडेट पास किए गए हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो वीडियो पर अंत तक बने रहें दोस्तों। 2014 की जो भर्ती है उसकी हम बात कर रहे हैं और उसी से संबंधित आपका 2018 में जो ALP टेक्नीशियन की भर्ती है, इसमें भी दोस्तों वही प्रोसेस आपका होने वाला है। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये सेकंड लिस्ट है दोस्तों, फर्स्ट लिस्ट के अंदर भी आपका 1.5 गुना पास थे दोस्तों। सेकेंड लिस्ट आई थी कि फर्स्ट से लिस्ट के हिसाब से उनको नहीं मिले थे लड़के, तो उन्होंने सेकेंड लिस्ट निकाली थी। उस लिस्ट की मैं बात करता हूँ दोस्तों, ये देख सकते हो आप, असिस्टेंट ALP कैटेगरी CEN 01 2018 का है, डेट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 2016 के अंदर किया गया था दोस्तों इनका दोबारा से, और पहले 2015 के अंदर हुआ था। तो इसकी सेकंड लिस्ट भी आई थी दोस्तों, तो सेकंड लिस्ट भी आ सकती है काफ़ी जोनों की, ये भी दोस्तों अभी निश्चित नहीं है क्योंकि कैंडिडेट है वो नहीं मिले, तो सेकंड लिस्ट भी आ सकती है दोस्तों। तो ये टोटली आपके जो लड़के हैं, ये इतने लड़के हैं दोस्तों, ये तो इतनी वैकेंसी हैं टोटल 41 कैंडिडेट, और ये इनके 50% एक्स्ट्रा है नीचे दोस्तों, 4 कैंडिडेट एक्स्ट्रा लिए गए हैं यहाँ पर। जितने संभव हो पास हुए कैंडिडेट उतने उस हिसाब से लिए गए हैं दोस्तों। तो ये आपकी टेक्नीशियन ग्रेड 3rd की है, इसके टेक्नीशियन में भी 16 कैंडिडेटों के लिए 50% एक्स्ट्रा है, वो दोस्तों 8 कैंडिडेट लिए गए हैं। और ये दोस्तों आपकी टेक्नीशियन फिटर की है, तो इसके अंदर आपकी तीन तीन टोटल कैंडिडेट हैं, तो इसके अंदर आपके 6 एक्स्ट्रा कैंडिडेट लिए गए हैं 50% के हिसाब से। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि 1.5 गुना कैंडिडेट ही पास किए गए हैं। और ये दोस्तों आपकी टेक्नीशियन ग्रेड 3rd इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रीशियन की है कैटेगरी 6, तो दोस्तों इसके अंदर भी आपके टोटल 17 कैंडिडेट हैं और आपकी 7 कैंडिडेट हैं वो एक्स्ट्रा लिए गए हैं, रोल नंबर 50% एक्स्ट्रा कैंडिडेट है वो दोस्तों। तो ये अगली है दोस्तों आपकी टेलीकॉम मेंटेनर की दोस्तों, जो MPCM से MTS NT बोलते हैं इस भर्ती में दोस्तों, वही आपकी टेलीकॉम की है। इसके अंदर आपकी एक वैकेंसी थी तो एक ही कैंडिडेट लिया गया है, और ये दोस्तों आपकी टेलीकॉम टेक्नीशियन ग्रेड 3rd डीजल इलेक्ट्रिकल की है, इसके अंदर आपका एक कैंडिडेट लिया गया है एक्स्ट्रा में है दोस्तों, ये सिर्फ एक्स्ट्रा के अंदर एक कैंडिडेट लिया गया है, बाकी आपका वही प्रोसेस है दोस्तों। ये देखो यहाँ पर लिखा भी गया है कि 50% एक्स्ट्रा कैंडिडेट लिए गए हैं वैकेंसी से अलग दोस्तों। तो इसका आप कट ऑफ हम फाइनली जिक्र करेंगे, कट ऑफ वो कितना रहा था RTI के हिसाब से, कि साइको के लिए कितना कट ऑफ गया था ALP का, और फाइनल कट ऑफ वो कितना गया था, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कितना कट ऑफ गया था, इन तीनों का जिक्र हम करेंगे दोस्तों। तो इस बात से दोस्तों एक साफ बात सामने आ रही है कि सेकंड लिस्ट भी आ सकती है, पर दोस्तों सेकंड लिस्ट उन्हीं की आएगी जो दोस्तों पास क्वालिफाई लड़के हैं, जिसमें NEC फिलहाल आ गया है, नॉट एलिजिबल कैंडिडेट है वो। तो दोस्तों उसके अंदर कोई सेकंड लिस्ट नहीं आएगी जिसमें दोस्तों जैसे ITI के कैंडिडेट हैं वो पास कैंडिडेट ही नहीं मिले हैं, तो उनका दोस्तों कुछ नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं होगा कि आप 35% से बी पार्ट में कम ला रहे हो और आपको फाइनल सिलेक्शन दे दिया जाए दोस्तों, ये नहीं होगा आपका। तो सेकेंड लिस्ट भी आ सकती है, ये संभव है दोस्तों। ALP SNT की जितने ज़्यादा लड़के बाहर निकल जाएं शायद, तो हो सकता है संभव हो आपका सेकंड लिस्ट आ जाए दोस्तों। तो अब बात करते हैं कट ऑफ की, RRB मालदा की दोस्तों मैंने आपको दिखाया, तो RRB मालदा की कट ऑफ की हम बात करते हैं। तो दोस्तों ये देख सकते हो आपको यहाँ पर ये दिया गया है RTI का जवाब, उन्होंने RTI में पूछा है कि इनको अबाउट CEN 01 2014 व्हाट वाज द कट ऑफ मार्क्स एप्टीट्यूड टेस्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड फाइनल कट ऑफ, पूरी इनको प्रोवाइड करवानी है, ये इन्होंने बोला है इस बी में। तो दोस्तों इसका जवाब दिया है RRB ने, कट ऑफ मार्क्स वेरियस पोस्ट
CN01/2018 ALPN टेक्नीशियन के लिए दोस्तों। तो पहली है पोस्ट ALP के लिए, आपको कट ऑफ बताया गया इन्होंने कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे कितना कट ऑफ था और अब कितना कट ऑफ है दोस्तों। तो कट ऑफ फॉर साइको के लिए कट ऑफ था आपका 57 जनरल का और 47.29 आपका OBC का, और SC का दोस्तों 41.47 और ST का 34.69। ये दोस्तों आपका साइको के लिए कट ऑफ था जो पहले आया था हमारा। तो ये दोस्तों अब जो आया हुआ कट ऑफ ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो दिखाया नहीं गया है रेलवे के द्वारा, तो वो दोस्तों ये कट ऑफ है कि 62 नंबर आपका साइको के लिए गया है जनरल 62.4। तो दोस्तों आप देख सकते हो 5 नंबर वेरिएशन हुआ, और OBC का आपका 60 नंबर दिया गया है और 47 से 60 मतलब 13 नंबर आपका वेरिएशन हुआ है दोस्तों। काफ़ी यूट्यूबर बोल रहे हैं कि 23 20 20 नंबर कैसे बढ़ गए, तो दोस्तों संभव है कि 8 गुना के अंदर 8 गुना कैंडिडेटों को 1.5 गुना के अंदर कन्वर्ट किया जाए, तो दोस्तों बढ़ सकता है मेरिट ज़्यादा। तो SC का दोस्तों इसमें आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गया है 56.7 और ST के लिए 42.133। ये दोस्तों आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कट ऑफ है, यानी 1.5 गुना का कट ऑफ है। तो फाइनल कट ऑफ है वो दोस्तों गया है आपका जनरल का 62.498। तो आप देख सकते हो मात्र कितना आपका वेरिएशन हुआ है, 0.05 आपका वेरिएशन जनरल का हुआ है ALP के अंदर, और आपका OBC के अंदर 60.207 था, तो इसका 61.4405 गया, तो इसका 1.2 कट ऑफ बढ़ा है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि 1 से 3 नंबर के अंदर वेरिएशन करेगा, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा दोस्तों। तो आपका OBC का भी बता दिया है, अब यहाँ पर SC का बता दूँ, SC का टोटली वही रहा है, सेम का सेम है दोस्तों, और ST का भी सेम का सेम है। तो दोस्तों आपके खुद नज़रों से देख सकते हो कि कट ऑफ को कितना बढ़ा है, कट ऑफ ज़्यादा नहीं बनने वाला है। आपका जिनका सिलेक्शन हो गया है वो टोटली सिलेक्शन मान सकते हैं, 95% कैंडिडेट बता रहा हूँ मैं आपको। अब मेडिकल के अंदर भी आपके निकल जाएंगे कुछ लड़के, कुछ डॉक्यूमेंट के अंदर भी निकल जाएंगे, तो दोस्तों और बाकी आपको वेटिंग के अंदर ले लिया जाएगा, क्योंकि JEE की वैकेंसी भी आई हुई है, आपको पता है JEE और NTPC की वैकेंसी आई हुई है। अगर इनमें कोई ज्वाइन करता है तो दोस्तों ये नौकरी छोड़ेगा तो छोड़ दे, आपका नंबर फिर वही आ जाएगा दोस्तों। तो अब मैं बात करता हूँ आपकी टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड सिग्नल की दोस्तों। तो SNT की पोस्ट है उसके अंदर, तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कट ऑफ गई थी 67.74, तो इसका फाइनल कट ऑफ गया दोस्तों 68.34, यानी कि टोटली आपका नंबर देखे तो 0.60 नंबर बढ़ा है इसका। OBC का सेम है 67.06 और सेम है आपका, और SC का दोस्तों 63.27 और 63.33 आपका फाइनल कट ऑफ गया है। तो मतलब आपका 0.10 वेरिएशन हुआ है SC के अंदर, ST के अंदर भी आपका टोटली 55.65 गया था, उसके बाद में 55.98 गया, तो टोटली इसके अंदर भी देखो तो आप 0.3 वेरिएशन हुआ है आपका सिग्नल पोस्ट के अंदर। तो दोस्तों अब मेंटेनर की बात करते हैं, SNT टेलीकॉम मेंटेनर के अंदर है दोस्तों आपकी जनरल OBC की वैकेंसी नहीं थी, SC की दोस्तों 63.95 थी, 63.95 रहा है, और 56.31 आपका ST का था, और इसका दोस्तों आपका 5 नंबर वेरिएशन 61.91 ST का हुआ दोस्तों। तो मैंने आपको बताया था औसतन आप माने कि 1 से 3 के बीच वेरिएशन करेगा। तो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की बात करें तो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में आपकी 67.01 जनरल का गया था और 65.64 OBC का गया था, और 58.5 है वो आपका SC का गया था, और 56.31 है वो आपका ST का गया था। तो टोटली आपको देख सकते हो कि सेम का सेम कट ऑफ आपका जनरल का भी यही है, OBC का भी यही है, और ST का भी यही है, और SC का दोस्तों आपका वेरिएशन हुआ है मात्र और मात्र 0.04। अब मैं बात दोस्तों बात करूं डीजल इलेक्ट्रिकल की, डीजल इलेक्ट्रिकल में आपकी जनरल एंड OBC की वैकेंसी नहीं थी दोस्तों, इसमें सिर्फ SC की वैकेंसी थी, SC की 55.3 गया था और फाइनल है वो 57.32 गया है, तो टोटल 3 नंबर इसका आपका वेरिएशन हुआ है डीजल इलेक्ट्रिकल के अंदर। तो अगला है टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड फिटर CNW, तो दोस्तों इसका कट ऑफ वो आपका जनरल का रहा है 67.22, तो यही आपका फाइनल रहा है, 65.64 OBC का 68.78, तो मतलब इसका कट ऑफ है वो आपका 3.18 है वो वेरिएशन हुआ है आपका फीटर से। तो आगे SC का दोस्तों सेम रहा है, आप देख सकते हो 61.22 61.22 और ST का 67.29 और ST का 47.35, सॉरी सॉरी 47.29 था और फाइनल कट ऑफ 47.35 गया है, यानी 0.06 है वेरिएशन हुआ है आपका
एसटी कैटेगरीज हैं दोस्तों। टोटली इसका मैंने आपको बता दिया है, तो आप मान सकते हो कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं करेगा आपका, लगभग कट ऑफ वो आया वही रहेगा। तो ज़्यादा टेंशन करने की जरूरत नहीं, आप अच्छे से अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएं और अपना मेडिकल करवाएं दोस्तों। डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग जो भी आपके डाउट हैं उसके ऊपर आपको शाम तक वीडियो मिल जाएगी दोस्तों। आपने जो भी मैंने कम्युनिटी के अंदर पोस्ट डाली थी उसमें जिस भी लड़कों ने कमेंट किया उनका वीडियो मैं बनाकर शाम तक या दोपहर तक आपको प्रोवाइड करा दूंगा दोस्तों। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें और चैनल के सब्सक्राइब बेल आइकन के साथ प्रेस करें और चैनल के साथ जुड़े रहें दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।